please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. डीएलएफ के घर खरीदार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही पहुंचे डीएलएफ के साइबर सिटी हेड ऑफिस। वहां पर उनकी मुलाकात डीएलएफ के एमडी देवेंद्र सिंह से हुई। 200 से 300 की तादाद में पहुंचे थे डीएलएफ मानेसर ग्रीन के घर खरीदार। डीएलएफ ने सबसे मिलने से पहले तो मना कर दिया, लेकिन खरीदारों की जिद के आगे एक ना चली और डीएलएफ को सभी घर खरीदारों से मिलना पड़ा। रियल्टी मीडिया से बात की सभी घर खरीदारों ने। मैं मौजूद हूँ डीएलएफ के साइबर सिटी ऑफिस में और यहाँ पर आए हुए हैं डीएलएफ ग्रीन्स के घर खरीदार, जिन्हें पिछले 10 सालों से घर नहीं मिला था। पहले वो डीएलएफ के कॉर्पोरेट ऑफिस में जाते थे, वहाँ पे इन्हें सिर्फ एक ही जवाब मिलता था, लेट द वर्डिक्ट कम। आज यहाँ पे ही आए हैं, कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जमीन है वो हुडा को ट्रांसफर कर दी और बिल्डरों को कहा कि अपने जो घर खरीदार है उन्हें पैसे वापस करें या फ्लैट दें। आज यहाँ पे जो लोग आए थे, यहाँ पे लगभग 200-250 के आसपास घर खरीदार आए थे। डीएलएफ ने सबसे मिलने से तो इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपके रिप्रेजेंटेटिव से मिलूंगा, 10-15 लोगों का एक ग्रुप बनाइए, मुझे भेजिए। उस ग्रुप में जो लोग गए थे वो मेरे साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि अंदर क्या बात करी इन्होंने, क्या इनके सवालों का जवाब आज इन्हें मिला या आज भी इनके हाथ निराशा ही लगी। मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले। पूजा। आप अंदर गई थी मीटिंग में? हाँ। क्या क्या बात हुई अंदर? क्या आपके जो पहले सवाल थे आप कॉर्पोरेट ऑफिस में लेके जाते थे, वहाँ पे जिनका जवाब नहीं मिलता था उनके जवाब मिले? हाँ, हमें एक काइंड ऑफ अश्योरेंस दिया। हम लोग मिले हैं आज देवेंद्र सिंह जी से, जो कि एमडी डीएलएफ हैं, और उन्होंने आके हमें ये अश्योर किया है कि हाँ, दे विल बी सपोर्टिंग अस इन ईच एंड एवरी वे वेर एवर पॉसिबल। कुछ लीगल इम्प्लीकेशंस भी हैं, ही इज़ बाउंड बाय द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑल्सो, दैट पार्ट इज़ देयर। बट हम लोगों का जो मेजर कंसर्न है वो यही है कि Our property should be completed, constructed only by DLF. We do not want any third party to come into the picture at this stage when our project is near completion. आपने उनसे पूछा कि अभी और कितना वक्त लगेगा? 10 साल तो लग गए हैं। नहीं, हमने उनसे पूछा है, उन्होंने कहा है कि after like ये जो claim का process है जिसमें वो हमारी मदद करने को तैयार है, वो हमारी हमें facilitate कराएंगे, जो भी हमें हुडा में अपने papers claim करने हैं वो उस चीज़ को facilitate करवाएंगे। उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में हुडा ऑफिस में या HSIDC में जहाँ पे भी ये हैंडल होता है वहाँ पे वेरिफिकेशन के बाद दिस प्रोसेस विल टेक अराउंड क्लोज टू 3 months। सो वंस दैट पार्ट इज डन ही विल दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट एंड दे विल मेक श्योर कि कुछ उन्होंने रफ हमें टाइम दिया है कि विद इन आप अंदर मीटिंग में मौजूद थी आज? हाँ जी, मैं पहले तो नहीं गई थी लेकिन मैं बाद में गई थी क्योंकि हमारे जो मेंबर्स काफ़ी देर तक आए नहीं थे तो हमें लगा कि क्या बात हो रही है, तो इसलिए हम उसमें गए थे अंदर। आपने उनसे पूछा कि 10 साल इंतज़ार करा और कितना इंतज़ार करवाएंगे? कह रहे हैं कि विद इन 6 मंथ यू विल गेट इट, आपको मिल जाएगा 6 महीने के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तसल्ली देने से नहीं होता, जब तक हम अंदर ना चले जाएँ हम कुछ नहीं कह सकते इन लोगों के बारे में, इसलिए नीयत क्या लग रही है आपको? नीयत लग रहा है देने की है? नीयत ओनली पब्लिक देख के डरे हुए हैं, 400-500 आदमी देख के उनके मन में डर आ गया, इसलिए वो सब चीज़ कमिट कर रहे हैं। लेकिन अभी हमें कोई तसल्ली नहीं हुई, जब तक हमें हमारी कंपनसेशन ना मिले, हमारा घर ना मिले, हमें कोई तसल्ली नहीं है। आज आप अंदर गई थी? हाँ, मैं अंदर गई थी। आपको आपने एमडी से सवाल पूछा कि जो 10 साल से कम्युनिकेशन गैप आया हुआ था, डीएलएफ अपने बायर से कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा था, वो क्यों नहीं कर रहा था और ऐसा क्यों हो रहा था? एक्चुअली दे आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट ऑल्सो, और जैसे सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है उन्हें ही बाहर कर दिया गया डीएलएफ को, तो वो भी अभी हेल्पलेस ही लग रहे हैं। तो मगर आज उन्होंने बहुत पॉजिटिव तरीके से हमसे बात की है, तो वी होप कि वी विल बी गेटिंग इट बाय 6 मंथ्स आवर फ्लैट्स। आपने उनसे ये नहीं कहा कि इसमें बायर्स की क्या गलती है, डीएलएफ बहुत बड़ा ब्रांड है, उन्होंने डीएलएफ में पैसे लगाए और अब डीएलएफ ऐसे अपनी गलतियाँ गिना रहा है? हमने जो फेथ किया था डीएलएफ के ब्रांड पर फेथ किया था, तो अभी हमको यही हमने उनको बोला और उन्होंने हमको एश्योर किया दैट दे विल बी विद अस and they will not just leave us just like that at in the lurch. So whatever that is possible within the ambit of the law or the jurisdiction, so but they will be trying to work closely with for us. Aisa assurance diya, but on site project is over 90% complete and we are sure that if they are given a free hand they will do it within 6 months. लेकिन सर जमीन तो भूडा के पास चली गई है ना? वो चली गई है, but they are looking into the judgment very deeply and with the judgment also says that if the project is complete to that extent
it has to be handed over as per the terms. और दूसरा हम ये चाहते हैं कि मीडिया के थ्रू आपकी हेल्प के थ्रू हमारा प्लाइट सब जगह इट्स नॉट जस्ट फाइट अगेंस्ट डीएल इट इज आल्सो फाइट अगेंस्ट अ टोटल सिस्टम जिसमें हम लोगों को टोटली इग्नोर किया गया है जिसमें घर घरदारों को बिल्कुल इग्नोर सिर्फ फार्मर्स का व्यू या उनकी प्लाइट या उनके साथ सिंपथाइज किया गया है एज बायर्स देयर आर 5000 ऑफ अस इन टोटल इन एंटायर मानेसर एंड 1200 हियर एवरीबॉडी शुड थिंक दैट यू नो वी हैव इन्वेस्टेड हाउ आर वी गोइंग टू गेट अवर हाउसेस व्हिच वी हैड ड्रीम्ड You know, so 10 years back, keeping faith with an organization like DLF. आपने DLF से पूछा कि हम 10 साल से इंतजार कर रहे थे, कोर्ट ने जो जमीन दी वो हुडा को दे दी है, अब आप क्या करेंगे इसमें? हाँ, तो इसमें अभी कुछ क्लैरिटी खास नहीं है आई है DLF के की तरफ से. अभी भी वो टाइम मांग रहे हैं जजमेंट को और पढ़ने के लिए, अभी भी लॉयर से और टाइम मांग रहे हैं. तो अभी कुछ कंक्लूसिव जजमेंट को आए हुए काफ़ी वक्त हो गया. आपने कहा नहीं कि अभी तक DLF जजमेंट नहीं पढ़ पाई है? जी हाँ, हमने ये बात उनसे रखी है, बट फिर भी जो उनके जो पॉइंट्स थे जो उन्होंने आंसर किए हैं उससे तो यही लग रहा है कि अभी फ़िलहाल क्लैरिटी नहीं है. वो आपको घर देंगे, आपके पैसे वापस करेंगे, क्या करेंगे, क्या DLF की मंशा क्या लग रही है आपको, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, DLF ने पैसे देने से तो साफ इनकार कर दिया है, जो फ्रॉम व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द मीटिंग. तो ये उनका कहना है. अब लीगली ये सही है या गलत है वो तो एक कोर्ट ऑफ लॉ ही डिसाइड करेगा, बट जो उनकी मंशा है, वो जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने अंडरस्टैंड किया वो ये है. और जो मकान देने की बात है उससे भी वो अपना जो है दामन वो क्या कहते हैं साफ इस लिहाज से कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि HSIDC और हुड्डा, अब ये उनकी जिम्मेवारी है फ्लैटों को वापस देने की. और वो आपने उनसे ये नहीं कहा कि पैसे तो हमने DLF को दिए थे, अब इसमें DLF की क्या जिम्मेदारी है? जी हाँ, हमने इसी मुद्दे पे जो है हमारी उनसे काफ़ी देर तक वार्तालाप हुई है, पर अभी इस मामले में क्लैरिटी नहीं आई है DLF के तौर से. सो आई थिंक वी हैव टू वेट एंड सी. तो अब कोई आगे और मुलाकातें होंगी, मीटिंग होंगी? यस डेफिनेटली, आई थिंक ये फर्स्ट मुलाकात थी और काफ़ी पॉजिटिव मुलाकात थी. आज हमारे पास घर होता अगर ये टाइम पे शुरू कर देते. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट उन्होंने टाइम पे शुरू नहीं किया इसलिए ये डिले हुआ, नहीं तो हम वहाँ पे रह रहे. वही तो मैं आपसे कह रहा था, आपने इनसे पूछी नहीं, ये पूछे नहीं है सारे सवाल MD आपके सामने. किया इन्होंने डिले किया, बट तो उसके लिए क्या कंपनसेशन, क्या कुछ दे रहे हैं ये? कोई कंपनसेशन के लिए अभी कुछ अश्योरेंस ही नहीं दिया है. आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं अहमदाबाद से आई हूँ सिर्फ आज की मीटिंग के लिए. आज की मीटिंग के लिए. ये थे मानेसर ग्रीन्स के घर घरदार, जो पहले भी परेशान थे आज भी परेशान हैं. इन्हें DLF से कोई भी तसल्ली नहीं मिली है, कोई भी श्योरिटी नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, DLF पहले कह रहा था कि लेट द वर्डिक्ट कम, अब जब वर्डिक्ट आ गया है तो भी उसने कुछ क्लैरिटी नहीं दिखाई. अब आने वाला वक्त बताएगा कि DLF घर घरदारों को घर देता है, कब देता है, कितनी जल्दी देता है या नहीं देता है. राकेश सिंह की रिपोर्ट, कैमरा पर्सन शुभी गोयल के साथ, रियल्टी मीडिया के लिए.